वो युवा खिलाड़ियों का करियर खराब कर रहा है, बीसीसीआई का दामाद बना हुआ है, रोहित का चहेता है, जबरन टीम इंडिया से मौका दे रही है। ना जाने क्या क्या राहुल को आलोचकों ने कहा, लेकिन मैदान पर आया तो अपने बल्ले से सबको खामोश कर दिया, अब दुनिया कर रही तारीफ। केएल राहुल का ऐतिहासिक शतक, बल्ले से लगाए ऐसे शॉट कि मैदान पर विराट कोहली रह गए दंगे, डगआउट में बैठे रोहित शर्मा का भी आगा रिएक्शन। इधर मैदान पर बल्ला लेकर उतरे थे केएल राहुल, उधर पत्नी करने लगी थी प्रार्थना, अगर ऐसा ना होता तो आज की बार टीम इंडिया में नजर नहीं आती केएल राहुल। शोएब अख्तर का घमंड टूटा, बाबर आजम का गुरूर हुआ खत्म, क्रिकेट के मैदान पर ऐसी आई भारत की सुनामी कि पाकिस्तान के परखच्चे उड़ गए। जी हां, आज क्रिकेट के मैदान पर केएल राहुल ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की उसको देखने के बाद पाकिस्तान क्या खुद भारत के दिग्गज खिलाड़ी देखकर चौंक गए, क्योंकि ये वही केएल राहुल हैं जिनको दुनिया के दिग्गज से दिग्गज खिलाड़ी खूब खरी खोटी सुना रहे थे कि राहुल को बीसीसीआई अपना दामाद बना बैठा है और युवा खिलाड़ियों का करियर खराब कर रहा है, इसको मौका देना मतलब टीम इंडिया को नर्क में पहुंचाने जैसा है। लेकिन आज राहुल ने अपने बल्ले से सबको खामोश कर दिया, कहते हैं ना कि आप लोगों को नजरअंदाज करो लेकिन बल्ला चलने दो, और केएल राहुल ने वैसे ही किया, खुद खामोश रहे लेकिन अपना बल्ला खामोश नहीं रखा और क्रिकेट के मैदान पर ऐसा हैरतअंगेज शॉट लगाया कि खुद विराट कोहली मैदान पर देखकर चौंक गए और डगआउट में बैठे रोहित शर्मा का भी रिएक्शन जबरदस्त आया। आज टीम इंडिया केएल राहुल और विराट कोहली की आतिशी बल्लेबाजी से जश्न में डूबी हुई है। केएल राहुल की आतिशी बल्लेबाजी के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, उससे पहले पाकिस्तान के पूर्व तूफानी गेंदबाज शोएब अख्तर के उस बयान को एक बार फिर देख लेते हैं, क्योंकि शोएब अख्तर ने भारतीय टीम को खूब खरी खोटी सुनाई थी। शोएब अख्तर का मानना था कि पाकिस्तान के पास वो घातक गेंदबाज हैं जिनके सामने विराट कोहली जैसा दिग्गज खिलाड़ी भी आने से डरता है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की गेंदबाज काफी फॉर्म में थे, लेकिन विराट कोहली और केएल राहुल ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की ऐसी धुनाई कर दी कि दिन में तारे नजर आने लगे। केएल राहुल ने जिस अंदाज में पाकिस्तानी गेंदबाजों की कुटाई की, उन्हें देखकर कभी नहीं लगा कि वो लंबे समय तक इंजर्ड रहने के बाद मैदान पर लौटे हैं। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने एशिया कप 2023 में पाकिस्तान के खिलाफ रिजर्व डे पर सेंचुरी ठोक दी, मैदान पर हर कोने में शॉट लगाए, तेज गेंदबाजों या फिर स्पिनर हर किसी की पिटाई की। इस दौरान मिड विकेट के ऊपर ऐसा छक्का मारा जिसे देखकर रोहित शर्मा, विराट कोहली समेत दुनिया भर में मैच देखने वाली हर फैन हक्का बक्का रह गया। दरअसल सुपर फोर में भारत पाकिस्तान की टक्कर रविवार को शुरू हुई, लेकिन बारिश के चलते मैच रिजर्व डे के लिए टाल दिया गया। आज भारत ने अपने कल के स्कोर 24.1 ओवर में 2 विकेट पर 147 रन से बल्लेबाजी की शुरुआत की। बारिश के चलते आज भी देरी हुई, भारतीय समय अनुसार रिजर्व डे पर मुकाबला दोपहर 3 बजे की जगह शाम 4:40 पर शुरू हुआ। ओवर में कोई कटौती नहीं की गई। 17 रन पर नाबाद रहे केएल राहुल ने 60 गेंद में अर्धशतक तो 100 गेंद में शतक पूरा किया। अर्धशतक बनाने के बाद उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट सुधारना चाहा। इसी कड़ी में 35वें ओवर की पहली बॉल पर स्पिनर शादाब खान को चौका मारा और फिर अगली गेंद पर छक्का ठोक दिया। आगे बढ़ते हुए गेंद को हाफ वाली बनाई और मिड विकेट के ऊपर से टर्न के विरुद्ध कलाई का शानदार इस्तेमाल करते हुए सर्वाधिक रन चुरा लिए। इस शॉट को देखकर ड्रेसिंग रूम में हर कोई गदगद हो गया। कप्तान रोहित शर्मा ने हैरानी में सिर पर हाथ रख लिया तो नॉन स्ट्राइक एंड पर मौजूद विराट कोहली भी हक्के बक्के रह गए। केएल राहुल के टीम में होने पर सवाल उठ रहे थे, कई मैच में तो उन्हें खेलना भी नहीं था। कई लोगों का ये भी कहना था कि राहुल को सीधे एशिया कप में शामिल नहीं करना चाहिए, संजू सैमसन की जगह देने की लगातार मांग हो रही थी, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने राहुल पर भरोसा जताया। अब वो इस पर खरे भी उतरे हैं। इस शतक से प्लेइंग 11 में उन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली है। भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले में केएल राहुल नाबाद लौटे। केएल राहुल ने मात्र 106 गेंद पर 111 रन ठोक दिए। अब कल राहुल को टीम इंडिया में कोई बाहर नहीं कर सकता, इस बात का सबूत खुद विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा ने डगआउट में बैठकर दे दिया है। साथ ही विराट और राहुल की साझेदारी ने पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि टीम इंडिया में किसी भी प्रकार की अब कोई कमी नहीं है, वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया तैयार है, वर्ल्ड कप हमारा ही होगा।